तो भाई तारंग मेहता का उल्टा चश्मा में सभी गूगल नाम वाले क्लब हाउस में बैठकर रामसंग कंपनी का लकी कूपन वाला रिजल्ट देख रहे होते हैं। अब कौन कौन क्या क्या जीता है इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समग्राम। रामसंग कंपनी से जो प्रोडक्ट्स लिए थे सोसाइटी वालों ने, उसके बदले सभी को एक कूपन दिया गया था जिसमें लकी नंबर्स लिखे हुए थे। फिर उस हिसाब से लोगों को अलग अलग प्राइजेस मिले। सबसे बड़ा प्राइज तो 10 लाख की कार का था जिसकी आज सभी लगाए हुए थे, लेकिन कार तो सिर्फ एक को ही मिलने वाली थी। इस लकी कूपन स्कीम में बेड़े को इस्त्री यानी कपड़ों वाली प्रेस का इनाम लगा था, अब्दुल को 1 ग्राम का सोने का सिक्का मिला था, पोपटलाल को हनीमून पैकेज मिला था वो भी दुबई का, लेकिन उससे पोपटलाल ज्यादा खुश नहीं हो पाया। पहले तो बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा खुशी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो तो कुंवारा है तो अकेले कैसे वो जा सकता है हनीमून पैकेज पर। लेकिन फिर लकी ड्रॉ अनाउंस करने वालों ने बोला कि जो भी कुंवारे या कुंवारी है जो जीते हैं इस ऑफर को, ये ऑफर 1 साल तक वैलिड है, तो 1 साल में कभी भी जा सकते हैं। फिर पोपटलाल खुश हो जाता है और बोलता है 1 साल में मेरी शादी हो जाएगी। फिर पीछे से बागा कहता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पाई तो मुझे और बाबरी जी को कूपन दे देना, हम घुमाएंगे। लेकिन पोपटलाल कहता है कि उसकी भी शादी हो जाएगी 1 साल में। फिर मेन इनाम की बात आती है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, और वो था 10 लाख की कार का इनाम। फिर जब ये अनाउंस किया जा रहा था, शुरू के नंबर्स बबीता जी, मेहता साहब, हाथी भाई, सोडी, इनके सभी के सेम आ रहे होते हैं। लेकिन जब लास्ट नंबर आने वाला होता है तो अचानक से कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है, इससे सभी बड़े परेशान हो जाते हैं। टप्पू कोशिश करता है सही करने की लेकिन हो नहीं पाता, और पोपटलाल का मुंह खुलता है। वो कहता है कि किसी को कार नहीं मिलने वाली, ये सब फ्रॉड है। इस पर पोपटलाल पर जेठालाल डांट लगा देता है। फिर अचानक से टेक्निकल इश्यू सही हो जाता है। फिर दोबारा जब वो लास्ट नंबर घूमता है तो ये इनाम बबीता जी को लगता है। इससे बबीता जी इतना खुश हो जाती हैं कि जेठालाल को गले लगा लेती हैं। बबीता जी के गले लगाने से जेठालाल का क्या हाल होने वाला था वो तो आप समझ ही से गए होंगे। जेठालाल बड़ा खुश हो जाता है कि बबीता जी ने उसे गले लगाया। फिर मेहता साहब और जेठालाल क्लब हाउस के जीने उतरते हुए बात कर रहे होते हैं, और जेठालाल कह रहा होता है कि आप 1 नंबर से रह गए मेहता साहब, नहीं तो कार आपको मिल जाती। लेकिन मेहता साहब इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं, और बबीता जी को कार मिलने की खुशी में मेहता साहब कहते हैं कि चलकर अंजलि के बने हुए डाइट फूड का आनंद लेते हैं। ये सुनकर जेठालाल दम दबाकर घर की ओर भाग जाता है। अब आगे दिखाया जाए कि जेठालाल बापूजी को गूगल धाम से किन किन लोगों को क्या क्या इनाम लगे हुए थे इस बारे में बता रहा होता है, और लास्ट में वो बबीता जी के कार जीतने के बारे में बताने वाला होता है। लेकिन बाबा कहता है कि मैं बताऊंगा, जेठालाल कहता है कि मैं बताऊंगा, लेकिन बता देते हैं नट्टू काका कि बबीता जी को कार का इनाम लगा है। नट्टू काका ने बबीता जी के इनाम के बारे में बता दिया, इससे जेठालाल बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि ये एकदम बढ़िया हुआ कि बबीता को कार का इनाम लग गया, और जेठालाल को कहते हैं कि चलो तेरी इच्छा भी पूरी हो ही गई। ये सुनकर जेठालाल चौंक जाता है। अब आगे कुछ ना कुछ हंगामा तो जरूर होने वाला है, अब क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको लगातार देखने को मिलती रहें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम।